और कंसल्टेंट से रिलेटेड मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कोई इतना पैसा खर्च करके कनाडा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए आप इस तरीके से आप अपने दस हज़ार तो एटलीस्ट सेव कर ही सकते हैं गाइस दिस इज हो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप यू आर आर डूइंग वेरी वेल तो अगर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कैनेडा आना चाहते हो तो स्टार्टिंग से लेकर कैनेडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक आपका कितना खर्चा हो जाएगा क्या हिसाब किताब रहेगा और साथ के साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ कहाँ पर आप अपने थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हो सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो करेंसी कन्वर्जन रेट है वो अभी आज के हिसाब से चल रहा है वन कैनेडियन डॉलर इज इक्वल टू सिक्सटी वन रुपीज एंड थर्टीन पैसा लेकिन कैलकुलेशन को थोड़ा ईजी करने के लिए मैं सिक्सटी रुपीज का हिसाब लेके चलूंगा सर सबसे पहला जो आपका खर्चा होगा वो होगा आपके आइल्स के एग्जाम का तो बेसिकली आइल्स दो तरीके का होता।, होता, है होता है एक होता है जनरल और एक, एक होता है एकेडमिक वाला तो अगर आप एज अ स्टूडेंट कैनेडा आ रहे हो तो आपको एकेडमिक वाला आइल्स देना होगा और उसकी जो फीस है वो है फिफ्टीन थाउजेंड एंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ और इसमें सेविंग का तो कोई हिसाब नहीं है आप पैसे बचा नहीं सकते क्योंकि जो फीस है वो ऑर्गेनाइजेशन की है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते इतना आप कर सकते हो जो एग्जाम है वो एक ही बार देना और अब जो भी बैंड्स की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर देना ताकि आपको दोबारा ना देना पड़े क्योंकि अगर दोबारा देना पड़ गया तो आपको फिफ्टीन दोबारा देने पड़ जाएंगे आपका खर्चा हो जाएगा थर्टी वन थाउजेंड रुपीज का तो कोशिश करना एक बार एग्जाम देना ढंग से तैयारी करके और अपने सिक्स इन ईच मॉड्यूल ले आना और आपका काम हो जाएगा तो ये सब आइल्स का एग्जाम देने के लिए आप लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी अब काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं अपने आइल्स की तैयारी करने के लिए कोई ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर लेते हैं जिनकी फीस सिक्स पर मंथ एट या फिर टेन थाउजेंड पर मंथ होती है अब मेरा मानना यह है कि अगर आपको थोड़ी बहुत ठीक ठाक इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत बोल लेते हो या फिर इंग्लिश मूवीज थोड़ी बहुत समझ लेते हो तो आपको कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आप ऑनलाइन अपना यूट्यूब वगैरह पे जाके बहुत सारे चैनल्स हैं जैसे कि आइल्स लिज हो गया ई टू लैंग्वेज हो गया ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल दूंगा तो वहां पर जाकर आप अपनी तैयारी कर सकते हो आइल्स का स्ट्रक्चर जो होता है वो समझ सकते हो लिसनिंग रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग हर एक चीज के जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो सारी चीज़ें उन्होंने बता रखी होती है तो सारी चीज़ें हो जाएंगी तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर इस तरीके से आप अपने दस तो एटलीस्ट सेव कर ही सकते हो तो ठीक है यार आपने अपनी आइल्स की तैयारी कर ली बढ़िया तरीके से एग्जाम दे दिया आपका 6.5 ओवरऑल स्कोर भी आ गया काम सेट हो गया पार्टी पूटी भी कर ली अब अगला काम आपको क्या करना है आपको अपनी प्रॉपर रिसर्च करनी है और ये देखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है कैनेडा के अंदर कौन से कॉलेज में जाना है या फिर कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है मैंने उसके लिए प्रॉपर वीडियोज़ वगैरह बना रखी है आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आप जाकर चेकआउट कर सकते हो जब ये सारा काम हो जाएगा आपका कोर्स वगैरह सिलेक्ट हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना है आपको एक कंसल्टेंट के पास जाना है अब अगर देखा जाए जो कंसल्टेंट्स वगैरह होते हैं उनकी जो फीस होती है वो वो होती है टेन थाउजेंड रुपीज़ ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज़ या फिर थर्टी थाउजेंड रुपीज़ वो डिपेंड करता है कंसल्टेंट के ऊपर या फिर कंसल्टेंट की रेप्यूटेशन के ऊपर लेकिन मेरी आप लोगों को पर्सनली यही सजेशन रहेगी कि एक ऐसे कंसल्टेंट के पास जाओ जिसकी कोई फीस वगैरह नहीं होती कॉलेज सेलेक्ट करना या फिर वहाँ पर अप्लाई करना या फिर वीज़ा की एप्लीकेशन डालना उसके लिए जो कंसल्टेंट होता है वो अपनी खुद की कोई फीस नहीं लेता क्योंकि हर एक कंसल्टेंट को एक प्रॉपर कमीशन मिलती है कॉलेज की तरफ से जब कोई स्टूडेंट अपना एडमिशन वगैरह ले लेता है ठीक है और कंसल्टेंट से रिलेटेड मैं एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप पहली बार कंसल्टेंट के पास जाओगे अगर वो आपको किसी स्पेसिफिक कॉलेज के लिए पुश करता है या फिर कुछ एक दो कोर्सेज के लिए पुश करता है कि ये मैनेजमेंट ये कोर्स ऐसा कोर्स वैसा कोर्स ले जाओ तो उस कंसल्टेंट से साइड हो जाना भाग लेना वहां से पीठ दिखा के क्योंकि आपको पता है कि कैनेडा आने के बाद कौन सा कोर्स आपके लिए बढ़िया रहेगा किस चीज में आपका बढ़िया करियर बनेगा किसी एक्स वाई जेड कंसल्टेंट को नहीं पता ठीक है तो इस चीज का ध्यान रखना और ऐसे कंसल्टेंट के पास जाना जो कि फीस वगैरह चार्ज नहीं करता तो आपके दस हजार बीस हजार या फिर तीस हजार रुपये बच जाएंगे तो हिसाब किताब होता है अब अगला जो आपका खर्चा होगा वो होगा किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का मतलब आपकी एप्लीकेशन फीस का और अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो हर एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी की जो फीस है मतलब एप्लीकेशन जो फीस है वो है हंड्रेड कनेडियन डॉलर से लेकर हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव कनेडियन डॉलर तो अगर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें जो कि इस वीडियो में मैं 60 रुपीस का हिसाब किताब लेकर चल रहा हूं तो आपका एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी मतलब एक इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करने का जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा सिक्स थाउजेंड रुपीज और मेरे ओपिनियन में आप तीन इंस्टीट्यूशन वगैरह में अप्लाई कर सकते हो तो आपका ओवरऑल जो खर्चा हो जाएगा वो हो जाएगा एटीन थाउजेंड रुपीज ठीक है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं पाँच या छः या सात कॉलेजेज या यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर देते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होता ठीक है एट दी एंड जाना तो एक ही इंस्टीट्यूशन में पढ़ने के लिए ठीक है और अगर कहीं से रिजेक्शन आती है तो पैसे वापस तो आते नहीं है तो आपको थोड़ा समझदार होकर यहाँ पर थोड़े पैसे भी सेव कर लेने हैं और बीस से ज़्यादा खर्चा नहीं गा अब दस दिन के बाद या फिर पंद्रह दिन के बाद या फिर एक महीने के बाद डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी आपको आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा अब ऑफर लेटर के ऊपर सारी की सारी डिटेल लिखी होती है आपका नाम लिखा होगा आपका स्टूडेंट नंबर लिखा होगा कितनी फीस डिपॉजिट करनी है फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड सेमेस्टर की वो मैंशनड होगी और साथ के साथ आपको किस तरीके से फीस डिपॉज़िट करनी है मोस्ट प्रोबेबली वो भी मैंशनड ही होगा और साथ के साथ ये भी लिखा होगा कि आपका कोर्स कब स्टार्ट होगा कब खत्म होगा सारी की सारी डिटेल आपकी ऑफर लेटर के ऊपर लिखी होती हैं और अगर मैं थ्योरी वाले कोर्सेज की बात करूं तो उनकी जो एवरेज फीस होती है मतलब जो फीस होती है वो सिक्स थाउजेंड डॉलर कनेडियन वाले या फिर सेवन थाउजेंड या एट थाउजेंड होती है और अगर मैं थोड़े प्रैक्टिकल कोर्सेज की बात करूं तो उनकी जो फीस होती है वो ट्वेल्व थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स या फिर एलेवन थाउजेंड टेंथ थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स होती है तो मैं एवरेज नाइन थाउजेंड कनेडियन डॉलर फीस लेके चलता हूँ ठीक है तो पहले सेमेस्टर की नाइन थाउजेंड कनेडियन डॉलर फीस होगी दूसरे सेमेस्टर की नाइन थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स फीस होगी तो अभी के रूल्स के हिसाब से आपको दो सेमेस्टर की फीस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी तो आपको टोटल एटीन थाउजेंड कनेडियन डॉलर्स इंडिया से कैनेडा ट्रांसफर करने पड़ेंगे मतलब अपनी फीस वगैरह डिपॉजिट करानी पड़ेगी और उसको अगर हम कन्वर्ट करके देखें इंडियन करेंसी में तो वो हो गए एटीन इंटू सिक्सटी करके क्या हिसाब बनता है वो हो गए टेन लैख एंड एटी थाउजेंड रुपीज़ तो आपको इतने रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है तो फीस डिपॉजिट करवाने के बाद आपका अगला जो खर्चा आता है वो आता है आपके जीआईसी का और जीआईसी का मतलब होता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट तो बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपको टेन थाउजेंड टू हंड्रेड कनेडियन डॉलर्स किसी कनेडियन बैंक में डिपॉजिट करवाने होंगे और ये मैंडेटरी होते हैं और उसमें कुछ ऐस हम फीस वगैरह या किसी चीज़ में सेविंग वगैरह तो नहीं कर सकते और अगर हम टेन थाउजेंड टू हंड्रेड कनेडियन डॉलर्स को आई एन आर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली सिक्स लैख के आसपास हो जाता है सिक्स लैक्स एंड ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज़ तो आपको इतने रुपये अपने इंडियन बैंक से उठा किसी कनेडियन बैंक में ट्रांसफर करने पड़ेंगे तो अगला आपका ये खर्चा होता है और ये ध्यान रखना ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वो जो जी आप डिपॉजिट कराओगे मतलब छः लाख रुपये किसी कनेडियन बैंक में डिपॉजिट कराओगे जब आप कैनेडा आ जाओगे ना तो वो किस्तों में आपको वापस आते रहेंगे अगर इंडिया से अगर कैनेडा पैसे ट्रांसफर करने की बात कर ही रहे हैं तो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा एक्स को जो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन फॉरेक्स मार्केट प्लेस है और इसके अगर रिव्यूज़ की बात करें गूगल पे और ट्रस्ट पायलट पे वो बहुत ही बढ़िया है लाइक अराउंड 4.9 आउट ऑफ 5 तो बेसिकली यार इनकी जो सारी की सारी सर्विसेज हैं वो पूरे तरीके से ऑनलाइन है तो किसी भी काम के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है और साथ के साथ जब आप इंडिया से अब्रॉड पैसे ट्रांसफर करते हो तो ये बेस्ट रेट प्रोवाइड करते हैं और साथ के साथ इनके पास हर एक काम के लिए एक डेडिकेटेड टीम है जो आपको पूरे तरीके से हेल्प करेंगे तो बेसिकली अगर आप अपनी फीस वायर या फिर वेस्टर्न यूनियन के थ्रू ट्रांसफर करना चाहते हो तो वो इसमें भी आपकी हेल्प कर सकते हैं और साथ के साथ जीआईसी के लिए इनके पास एक डेडिकेटेड टीम है तो अगर आप किसी इंडियन बैंक से अपने पैसे अब्रॉड ट्रांसफर करते हो तो वहां पर आपको रेमिटेंस फीस अप्रॉक्सिमेटली पड़ती है एक से डेढ़ तो अगर आप दस डॉलर ट्रांसफर करते हो तो उस केस में आपकी जो फीस पड़ेगी अप्रॉक्सिमेटली दस हज़ार से पंद्रह हज़ार रुपये पड़ जाएगी और अगर आप एक्स ट्रेवल मनी डॉट कॉम से अपने पैसे ट्रांसफर करते हो तो इनकी जो रेमिटेंस फीस है वो है पॉइंट फोर से लेकर पॉइंट सिक्स तो आपका जो खर्चा होगा वो हो जाएगा चार हजार रुपये से लेकर छः हज़ार रुपये तो यहाँ पर आपके फिफ्टी परसेंट पैसे बच जाएंगे और साथ के साथ मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि इनके कोई हिडन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं होते और इन्होंने एक नई सर्विस स्टार्ट की है जिसका नाम है अल्ट्रा फास्ट फीस पेमेंट उस केस में क्या होगा कि आप चार घंटे के अंदर अंदर अपनी पूरी की पूरी फीस इंडिया से या अपनी होम कंट्री से कनाडा या फिर किसी और कंट्री में ट्रांसफर कर सकते हो तो काम सेट तो अगर आप एक्स ट्रेवल मनी डॉट कॉम के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो उनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस पर क्लिक करके आप जाके चेकआउट कर सकते तो यार अभी तक आप अपने 16 या 17 लाख रुपए खर्च चुके हो लेकिन अभी तक आपका हिसाब किताब पूरा नहीं हुआ अभी और खर्चे होना बाकी है तो जीआईसी डिपॉजिट करवाने के बाद आपको क्या करना होगा अपना एक मेडिकल एग्ज़ाम देना होगा जो कि एक मैंडेटरी स्टेप होता है कैनेडा का एक वीज़ा अप्लाई करने के लिए और इंडिया में आई थिंक मेडिकल एग्ज़ाम की जो फीस है वो सिक्स या फिर सिक्स के आसपास है तो इतना तो आपका खर्चा हो गई और अगर आपकी बॉडी पर कोई टैटू वगैरह है कोई गर्लफ्रेंड का नाम लिखवा रखा है या फिर किसी बॉयफ्रेंड का नाम अपने यहाँ पर लिखवा रखा है तो उस केस में थोड़ा सा और ज़्यादा खर्चा हो सकता है लेकिन एवरेज देखा जाए तो सिक्स थाउजेंड के आसपास आपका मेडिकल का खर्चा हो जाएगा अब ऑफर मतलब हो, लेटर भी आ गया था डिपॉजिट कर दी उसके बाद आपको फीस की रिसीट वगैरह सब कुछ गई होगी कॉलेज से आपको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस भी मिल गया जी आई भी डिपोजिट करा दी उसके बाद मेडिकल एग्जाम भी दे दिया सिक्स लगे क्योंकि आपका गर्लफ्रेंड का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ था तो ये सारे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे कर लिए साथ के साथ अगर आपने लोन लिया था वो डॉक्यूमेंट हो गया लोन का डॉक्यूमेंट या फिर जितने भी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो गए सारी चीज़ें आपने इकट्ठी कर ली प्रॉपर फाइल बना ली जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो कंसल्टेंट को पता होता है ठीक है तो वो आपको बता देगा इसलिए कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है तो आप प्रॉपर फाइल वगैरह बना लेते हो अब आपको कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है और स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की कैनाडा के स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करने की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी कनेडियन डॉलर्स और साथ के साथ आपको एक बायोमेट्रिक्स की फ़ीस भी देनी पड़ती है जिसकी फ़ीस होती है एट्टी फाइव कनेडियन डॉलर्स तो टोटल तो हो जाते हैं टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव कनेडियन डॉलर्स और उसको अगर हम इंडियन करेंसी में देखें मतलब सिक्सटी से मल्टीप्लाई करें तो वो हो जाता है फोटीन थाउजेंड एंड वन हंड्रेड रुपीज़ और ये मैंने अभी माइंड में कैलकुलेशन नहीं की मेरे को याद था ठीक है लिखा हुआ मैंने स्क्रिप्ट के अंदर है तो ये हिसाब से तो ठीक है यार आपने अपना कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर दिया अब जो है मेन क्रूशियल टाइम शुरू होता है मतलब वो जो धक धक वाला टाइम होता है ना वेटिंग पीरियड वो शुरू होता है क्योंकि आपका कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा दस दिन में भी आ सकता है बीस दिन में भी आ सकता है एक महीना भी लग सकता है या फिर दो तीन महीने भी लग सकते हैं तो लेटस से दो महीने के बाद आपको गुड न्यूज़ मिल जाती है मतलब कनाडा का स्टूडेंट वीज़ा मिल जाता है और आपके पासपोर्ट पे स्टैंप लग जाती है अब आप कनाडा जाओगे लेकिन जाने के लिए आपको एक फ़्लाइट की टिकट बुक करनी पड़ेगी और उसका जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता रहता है कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है और अभी मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्लाइट का प्राइस चेक किया था डेली से ट्रोरटो का तो वो था फिफ्टी हंड्रेड कनेडियन डॉलर जो कि सिक्सटी से मल्टीप्लाई करें तो वो होते हैं नाइन्टी थाउजेंड तो ये भी काफ़ी थोड़ा सा महंगा सोता है ठीक है तो टाइम टाइम पे डिपेंड करता है लेकिन तरीके हैं कि आप थोड़े बहुत पैसे सेव कर सकते हो जैसे कि मैंने किया था तो मेरे पास कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स थे तो मेरे थोड़े पैसे सेव हो गए थे मेरी 62,000 के आसपास की टिकट थी वो 56,000 की गई थी और साथ के साथ दूसरा तरीका ये अगर आपकी किसी जान पहचान है कोई किसी कंपनी में आप किसी को जानते हो तो वहाँ आपके थोड़े पैसे सेव हो सकते हैं या फिर आप एक ऐसी फ्लाइट सेलेक्ट कर सकते हो जिसके दो तीन लेवर हैं तो आपको थोड़ी सस्ती पड़ेगी तो ये तरीके हैं पैसे बचाने के और फिर अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करा लेना और आपका काम सेट हो जाएगा और आप जाने वाले हो कैनेडा हाँ जी तो यार आपका कैनेडा का स्टूडेंट वीज़ा लग गया है फ्लाइट की टिकट्स भी बुक हो गई हैं सारा का सारा काम सेट हो गया पक्का हो गया कि अपना मुंडा या कुड़ी कनेडा जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो और एक्साइटमेंट में आप क्या करोगे बहुत ज़्यादा शॉपिंग करोगे क्योंकि मैं कैनेडा बढ़िया कपड़े लेके जाऊंगा शूज लेके जाऊंगा बर्तन लेके जाऊंगा ये लेके जाऊंगा वो लेके जाऊंगा लेकिन आपको बहुत ज्यादा शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है अगर कोई भी डाउट है ना तो प्रॉपर मैंने एक पैकिंग से रिलेटेड वीडियो बना रखी है वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि पचास हजार साठ हजार सत्तर हजार रुपए की शॉपिंग कर लेते हैं और फालतू की चीजें खरीद लेते हैं इतनी ज्यादा आपको शॉपिंग करने की जरूरत नहीं है आपको अपने पेरेंट्स का इतना ज्यादा पैसा खर्चवाने की जरूरत नहीं है उन्होंने ऑलरेडी इतने पैसे खर्चे हैं आपकी फीस पे आपकी जी पे तो मैक्सिमम थर्टी या फिर 35000 तक की शॉपिंग करो बैग्स वगैरह हो गए जो जरूरत की चीजें हैं वो लो क्योंकि कनाडा में सारी की सारी चीजें मिलती हैं कोई जंगल में तो आ नहीं रहे हो एक डेवलप्ड कंट्री में आ रहे हो तो सारा सौदा यहाँ पे अवेलेबल है अब यार आप जब कनाडा जाओगे ट्रैवल करोगे तो खाली पॉकेट से लेके तो जाओगे नहीं और जब कनाडा पहुंचोगे तब भी आपको थोड़े पैसे वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो क्वेश्चन आता है कि भी कनाडा जब हम जाएंगे तो कितने पैसे अपने साथ लेके जाएं तो इसमें हर बंदे का अलग अलग ओपिनियन होता है कोई कहता है कि दो डॉलर लेके जाओ कोई कहता है फाइव डॉलर्स लेके जाओ मेरा मानना यह है कि अगर आप थाउजेंड डॉलर्स लेके जाओगे तो वो मोर देन इनफ हैं थाउजेंड डॉलर्स मतलब सिक्सटी थाउजेंड हो गए अगर आपको रेंट देना पड़ जाता है या फिर कुछ भी खर्चा करना पड़ जाता है तो इतने में आपका सारा का सारा काम हो जाएगा सारा काम सेट रहेगा फिर अगर सारी की सारी चीज़ों को समराइज करें और ये पता करने की कोशिश करें कि टोटल आपका कितना खर्चा हो जाएगा स्टार्टिंग से लेकर कनाडा के लिए फ्लाइट में बैठने तक तो वो देखते हैं एक बार, तो एक बार बार तो से से कि आप सिर्फ देते हो ढंग तैयारी करके तो आपका जो खर्चा हो हो जाएगा जाएगा वो जाएगा, 15, उसके बाद आपने तैयारी की किसी कोचिंग सेंटर में जाकर तो आपके टेन थाउजेंड रुपीज खर्च हो जाएंगे मतलब दस या बारह हजार या फिर आठ हजार डिपेंड करता है कोचिंग सेंटर की फीस कितनी है और आप लेटस से किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाते हो जिसने ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज फीस चार्ज की मेरे मना करने पर भी तो ट्वेंटी थाउजेंड आपके वहां खर्च हो जाएंगे उसके बाद आप तीन यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस वगैरह में अप्लाई करते हो तो वहां पे आपका खर्चा हो जाएगा एटीन थाउजेंड रुपीजी उसके बाद आपको ऑफर लेटर आता है आप अपनी फीस डिपॉजिट करते हो जो कि हमने कैलकुलेट की थी टेन लैस एंड एटी थाउजेंड रुपीज और फीस डिपॉजिट करने के बाद आपको जी आई करनी होगी और जी आई सी का हिसाब किताब यही है कि टेन डिपॉजिट करने होंगे और अगर उसको सिक्सटी से मल्टीप्लाई करें तो आपका खर्चा हो जाएगा सिक्स लैक्स एंड ट्वेल्व थाउजेंड मेडिकल का हिसाब है कि को कोई टैटू वगैरह नहीं था तो आपको छह देने पड़ेंगे उसके बाद आप कैनेडा का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करोगे प्रॉपर फाइल वगैरह बना के तो आपको उसमें बायोमेट्रिक्स और एप्लीकेशन फी जो टोटल खर्चा हो जाता है वो हो जाता है रुपीज। और उसके बाद पैंतीस हजार आप तो से खर्चा मत करना, तो यहां पे आपका खर्चा थर्टी फाइव थाउजेंड रुपीज और जब आप अपनी होम कंट्री से कैनडा ट्रेवल करोगे तो ऑब्वियसली खाली पॉकेट तो लेके जाओगे नहीं तो वहां पर आप अपने साथ अप्रोक्सीमेटली सिक्सटी थाउजेंड रुपीज लेके ही जाओगे तो अगर यार सारी चीजों को अगर हम टोटल करें तो आपका अप्रोक्सीमेटली खर्चा हो जाएगा नाइनटीन लाख एंड रुपीज और यहाँ पे मैंने जो करेंसी का कन्वर्जन रेट लिया है वो ये लिया है कि वन टू 60 रुपीज। और वही अगर हम 61 लेते हैं जो कि आजकल चल रहा है तो उस केस में आपका खर्चा हो जाएगा लाख से लेकर 21 लैक के बीच में, तो इतना खर्चा आपका हो जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा अमाउंट होता है तो सोच समझ के डिसीजन लेना कि आपको इतना पैसा खर्च करके कैनेडा आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए अगर नहीं आते हो तो बात ही खत्म होगी ठीक है लेकिन अगर आप कनेडा आते हो इतना पैसा खर्चा करके तो उस केस में सोच समझ के आना कि भी कौन सा कोर्स लेना चाहिए कौन सी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आना चाहिए इतना सोच के आना कि अगर इतना पैसा खर्च करके आ रहे हो तो आप जो कोर्स लेके आ रहे हो उसकी रिटर्न भी बढ़िया होनी चाहिए तो ढंग का एक कोर्स लेके आना और यहाँ पे मेहनत करना और अच्छी जॉब लेना या बिजनेस जो भी करना चाहते हो वो करना और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना बाकी अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड की